तो गाइस जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था यहाँ पर साउंड टेस्टिंग, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बताइएगा। और जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा यहाँ पर साउंड टेस्टिंग और सेकेंड में भी आपने साउंड टेस्टिंग देखा, तो वो फुल टेस्टिंग नहीं था, तो वो मैं आपको फुल टेस्टिंग आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो पहले वीडियो का एंड तक देखते रहिए और सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि कौन सा स्पीकर लगा हुआ था, कितना वाट का स्पीकर है, कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है, कौन कौन से एम्पलीफायर में बेस चल रहे हैं, कौन से एम्पलीफायर में टॉप चलाए गए हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें टॉप नहीं यूज़ किया गया है, इसमें दो लाइन रे यूज़ किए गए हैं, ओनली दो लाइन रे था और चार स्कूप बेस था, जैसे कि आपने साउंड टेस्टिंग वीडियो में देखा होगा। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कितने क्यूज़े का जनरेटर, सभी जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक देखते रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा। सो गाइस बात करेंगे यहाँ पर चार बेस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार स्कूप बेस लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक एक बेस में यहाँ पर 1500 वाट का स्पीकर का यूज़ किया गया है, जो कि 1500 वाट का चार स्पीकर हो जाता है टोटल। स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पी ऑडियो का स्पीकर लगा हुआ है। मॉडल नंबर के बारे में बात करते हैं तो C18-1000V2 स्पीकर लगा हुआ है, जो कि 4.5 इंच वॉइस कॉइल में आता है। 1500 वाट के AES पावर में आता है स्पीकर, जैसे आपको पता होगा। और इसका RMS पावर के बारे में बात करते हैं तो 1150 वाट का RMS पावर आपको निकाल के दे देता है स्पीकर, या फिर हम कह सकते हैं स्पीकर का RMS पावर 1150 वाट बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डायनाटेक का PD5000 एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। इसका डंपिंग भी आपको 1000 मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन और काफ़ी अच्छा बेस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर चार बेस को चलाने के लिए डायनाटेक का PD5000 का एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, जो कि दो बेस एक चैनल में चलाया गया है और दो बेस दूसरे चैनल में चलाया गया है, जो कि काफ़ी सही है। आप इतने 1000 वाट के एम्पलीफायर में आप इस टाइप के स्पीकर चला सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लाइन ड्रे के ऊपर इसमें कितना वाट का स्पीकर लगाया गया है, तो यहाँ पर लाइन ड्रे में जो है यहाँ पर 700 वाट का स्पीकर लगाया गया, जो कि 12 इंच का स्पीकर है, और RCF का स्पीकर यूज़ किया गया है। इसका मॉडल नंबर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर MB12X351 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर एक लाइन ड्रे में दो स्पीकर लगा हुआ है, जो कि 12 इंच का स्पीकर है, 700+700 वाट का, प्लस इसमें HF भी लगा हुआ है। तो भाई ने यहाँ पर HF का नाम नहीं बताया है कि कौन सा HF लगा हुआ है, कितने वाट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रे का वोल्टेज हम देखते हैं तो लगभग 1600 वाट का बन जाता है एक लाइन ड्रे। तो यहाँ पर इसी टाइप से और एक लाइन ड्रे जो लगा हुआ है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी सेम स्पीकर लगा हुआ है, तो एक लाइन ड्रे लगभग 1600 वाट का बन जाता है, 1500-1600 वाट का बन जाता है। तो यहाँ पर आप एम्पलीफायर देखेंगे तो यहाँ पर डायनाटेक के भी 4000 एम्पलीफायर में दो लाइन ड्रे चलाया गया है, जो कि एक लाइन ड्रे एक चैनल में चलाया गया है और एक लाइन ड्रे दूसरे चैनल में चलाया गया, जो कि 4 ओम्स के ऊपर रन किया गया है, जो कि आप साउंड क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेस और काफ़ी अच्छा साउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से आप यहां पर सेटअप बना सकते हैं। बात करेंगे यहां पर कितने केवीए का जनरेटर का यूज़ किया गया है इस सेटअप को चलाने के लिए, तो यहां पर जनरेटर का जो यूज़ किया गया है वो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 25 केवीए का डुअल इंजन में जनरेटर यूज़ किया है। लेकिन आप यहाँ पर 12.5 केवीए का जनरेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर 10 केवीए का जनरेटर भी लगा सकते हैं इतने सेटअप को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप लाइटिंग वगैरह तगड़ा रखते हैं तो आप 12.5 केवीए का जनरेटर यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो चलिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीजे का नाम क्या है और क्या एड्रेस है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फुल डिटेल्स, जैसे कि भाई ने इमेज भेज दिया है। तो डीजे का नाम है आरके डीजे, और बात बाकी यहाँ पर फुल डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डीजे सेटअप का वीडियो यूट्यूब चैनल में डले, तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप फोटो और वीडियो सेंड कर देना है, फुल डिटेल्स बता देना है कि यहाँ पर कितने वाट का स्पीकर है, कौन सा स्पीकर है, ये सभी जानकारी आपको दे देना है, तो आपका वीडियो कभी ना कभी यूट्यूब चैनल में डल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.